अनिल सर फिर से मजनू भाई बनना कितना एक्साइटमेंट रहा, कितना अच्छा लगा, और बार बार आप अड़ंगा क्यों लगाते हैं जॉन जॉन को और इनके बीच में? देखिए, एक तो अच्छा हिस्ट्री लगा क्योंकि 7 साल के बाद मैं कर रहा था। कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी रोल हो, हर साल मैं करूंगा तो आपको भी बोर करूंगा और खुद भी बोर हो जाऊंगा। तो काफी अरसे के बाद ये रोल जब करने का मौका मिला और अनीस साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, फिरोज साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं और नाना साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। देखिए, जब तक फिल्म में जब अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं साथ में, जॉन साहब हैं, परेश हैं, नसीर हैं, तो करने का मजा ही कुछ और होता है। तो मजनू भाई का जो है, ये पूरा जो माहौल है इस फिल्म का, उसमें जो करने का, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इतने बड़े फनकारों के साथ मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला है। मैं अकेला अगर सॉलिट्यूड या अकेले में ये मजनू भाई करूंगा तो मजनू भाई जो है एकदम फ्लैट हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह लिखा गया है, और जैसे कि नाना साहब हमेशा कहते हैं कि मजनू के बिना उदय नहीं, उदय के बिना मजनू नहीं। लेकिन जॉन 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 यस नाना सर इज सेइंग समथिंग। नहीं नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू है, इधर उधर वैसे है ये दोनों कैरेक्टर। तो कर जॉन 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 आपकी बॉन्डिंग ऑन सेट्स किससे अच्छी थी, मजनू भाई के साथ या उदय भाई के साथ? दोनों के साथ, तीनों के साथ, घुंगरू भी थे वहां पे। आई थिंक द बॉन्डिंग वाज फैबुलस। जो एनर्जी था सेट पे, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि इट वाज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, फैंटास्टिक। अनिश जी सवाल है, अनिश जी, नसीर साहब का जो कैरेक्टर है वांटेड भाई, क्या ये रिप्लेसमेंट है आरडीएक्स कैरेक्टर जो वेलकम में फिरोज खान साहब ने किया था? फिरोज खान साहब को नो वन कैन रिप्लेस, ऐसे मत बोलो। मैंने वो भी पहले कहा, फिरोज खान साहब बच्चों के जैसा हमें ट्रीट करते थे, लेकिन ये कैरेक्टर अगर खान साहब होते तो शायद खान साहब ही करते, मतलब मैं कह देता हूँ। लेकिन नसीर उतने ही कैलिबर का, उतना ही ग्रेट, और उसकी वजह से नसीर इस फिल्म में है, लेकिन खान साहब की रिप्लेसमेंट नहीं। अंकिता, माय क्वेश्चन इज फॉर यू हियर। नॉट ओनली इज दिस योर फर्स्ट फिल्म, बट यू आर विद सो मेनी स्टॉलवर्ड्स इन अ ब्रांडेड फ्रेंचाइज। How, why did you select this as your first film? And how confident or how scared were you? I was definitely very scared, जो मेरा first scene था वही नाना जी और अनिल जी के साथ था, तो मैंने देखा और मैंने कहा अच्छा अभी क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और स्क्रिप्ट भी थोड़ा लंबा था, तो थोड़ी देर में बैठी रही। उसके बाद मैंने कहा यार अंकिता, डरने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि डरोगी तो आवाज़ नहीं निकलेगी, और अगर आवाज़ नहीं निकलेगी तो नाना जी की आवाज़ बहुत निकलेगी तो इससे बेटर है कि डर छोड़ो और जो भी है बस कर दो बिंदास। तो मैं जब भी जाती थी सेट पे डरी हुई रहती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखाती थी कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट अंदर से बहुत डरी हुई रहती थी। जॉन यहाँ पर, यहाँ यहाँ आपके लिए जी जॉन, आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्टली, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मद्रास कैफे के बाद ये आपकी 2 साल बाद ये पहली रिलीज वेलकम बैक होने वाली है, तो इतना वक्त क्यों लगा, मतलब कि आपको अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही थी या फिर क्या वजह थी सिल्वर स्क्रीन से इतनी दूरी बनाए रखने की? और दूसरी बात, ये फिल्म कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मद्रास कैफे क्रिटिकली बहुत अप्रिशिएट किया गया था आपका परफॉर्मेंस, बट बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल नहीं कर पाई थी, वो आपको किसने कहा? रिपोर्ट्स। आई थिंक एवरी फिल्म इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं एक फिल्म पे इतना स्ट्रेस नहीं करता हूँ कि ये फिल्म अगर चले ना चले कुछ होगा। आई थिंक वो आप लोग का काम है, मेरा नहीं, एंड मेरा काम है परफॉर्म करना है, एंड दैट्स व्हाट आई एम मेंट टू डू। मैं फिल्म्स बनाता हूँ एंड आई एंजॉय डूइंग इट। 2 साल, 1 साल, 3 साल, मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट इनसिक्योर, आई कैन वेट। Thank you so much, John. Hello. Thank you so much, ladies and gentlemen. Hello, hello, hello. Sir, sir, Nitin, sir. Hari, Hari, sir, sir. Nitin, sir, sir, कौन? Nitin, एक सवाल. हाँ, कौन है? Nitin,
पूछिए ना आप सभी से अरे उधर का लोड कम हो जाएगा वो पूछो पूछो हेलो आप सभी से एक सवाल है कि इस काले के पीछे का राज क्या है कपड़े आपने काले पहने हाँ ये हमारे जहन का रिफ्लेक्शन है दिल के भी हम काले हैं और कपड़े भी काले हेलो 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 अनिल आप बताएं हाँ जी बताएं काले के पीछे का राज आई थिंक बिकॉज़ आई थिंक ब्लैक इज यू नो ऑल ऑफ अस इट्स अ फेवरेट कलर आई लव ब्लैक आई थिंक एंड यू नो आई थिंक ब्लैक इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी लुक्स गुड एंड कूल दैट्स अ रीजन आई फील हेलो सर यो जॉन सर यू वर एज एन एक्टर ऑन द अनु मलिक जी अनु मलिक जी अनु सर सवाल आपके लिए रमेश राव फ्रॉम ब्लॉकबस्टर इधर है अनु जी इधर इधर लेफ्ट में सर हां बोलिए बोलिए सर हाउ आर यू गुड गुड सर व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू सच अ एक्शन मूवी आपने किस तरह गाने और कैसे क्या किए सर देखिए देयर आर मल्टीपल कंपोजर्स इन दिस फिल्म और फिरोज एंड अनीस आर वेरी वेरी स्पेशल टू मी एंड मेरी कंट्रीब्यूशन ये है कि नाउ जो मेरा गाना छुपा के रखा है वो गाना आएगा तो बड़ा हंगामा होगा और साथ साथ देयर इज सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई वुड लाइक टू शेयर दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर आई डोंट थिंक आई हैव एवर हर्ड जॉन अब्राहम सिंह मैंने जॉन अब्राहम से भी एक गाना गवाया है विच आई थिंक इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिग हाइलाइट्स ऑफ दिस फिल्म एंड दैट इज माय कंट्रीब्यूशन मिस्टर ब्लॉकबस्टर थैंक यू ओके वन आखिरी सवाल नाना देवी सज्जन पिछली फिल्म में आपके साथ मलिका शेरावत थी उनके साथ रोमांस करना ज्यादा एक्साइटिंग था कि न्यू कमर के साथ ज्यादा एक्साइटिंग था अरे यार दोनों में करने नहीं मिला क्या बात कर रहा है नहीं सर कहीं कुछ करने जाओ तो ये बीच में आता था कहीं मैं गया तो छोड़ो यार क्या हमारे दुख हमें मालूम है यार